हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पियानो सीखे ज्ञान लीजिए में। तो आज हम एक लेसन करेंगे एफ शार्प मेजर स्केल के ऊपर। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एफ शार्प मेजर स्केल हमने पिक करा है, उसमें जो कुछ कॉर्ड्स आती हैं फैमिली कॉर्ड्स, उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। और लेफ्ट हैंड पैटर्न पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, लाइक राइट हैंड में अगर हम कुछ मेलोडी प्ले कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम पैटर्न्स प्ले कर सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं, किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है। तो एफ शार्प मेजर स्केल वैसे तो हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ एफ शार्प मेजर स्केल क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता तो आप मेजर मेजर स्केल्स की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ जाके आप सीख सकते हो। ये कुछ नोट्स हैं एफ शार्प मेजर स्केल में, आपको स्केल्स सारे प्ले करने आने चाहिए। तो अब मैं आपको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ एक्सरसाइज जो हमारे को प्ले करनी है। तो आपने देखा मैं अभी एक राइट में मेलोडी प्ले कर रहा था, बहुत छोटी सी मेलोडी है, मैंने कुछ लाइंस बस बनाई हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं लेफ्ट हैंड पैटर्न्स को बार बार चेंज कर रहा था। पहले ब्लॉक कॉर्ड लिया, फिर मैंने ब्रोकन कॉर्ड्स में प्ले करा उसको, फिर मैं जंप कर रहा था, आपने देखा होगा ऊपर से जंप कर रहा था। तो वही हम ट्राई करेंगे, सीखेंगे। तो पहले तो आप लोग मेलोडी देख लो। बहुत सिंपल मेलोडी है, कॉर्ड कौन सी एफ शार्प मेजर स्केल में, हमारी जो फैमिली कॉर्ड्स यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एफ शार्प मेजर कॉर्ड आता है उसमें, बी मेजर कॉर्ड आता है, सी शार्प मेजर कॉर्ड आता है, ये मेजर कॉर्ड्स हैं। जी शार्प माइनर कॉर्ड आती है, बी फ्लैट माइनर कॉर्ड आ जाती है हमारी एक इसमें, डी शार्प माइनर कॉर्ड आती है, ठीक है। और तो ये कुछ इसकी फैमिली कॉर्ड है, तीन मेजर, तीन माइनर और डिमिनिश कॉर्ड भी हो जाती है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो मेजर स्केल का जो सेवंथ नोट होता है वो डिमिनिश कॉर्ड बनाता है हमारी। खैर अभी इसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तीन मेजर तीन माइनर कॉर्ड्स होती हैं ये हमारी, जनरली जो हम स्केल के अंदर फैमिली कॉर्ड में यूज़ करते हैं। तो आज हमने कॉर्ड जो पिक करी हैं वो कॉर्ड्स हैं एफ शार्प मेजर कॉर्ड, सी शार्प मेजर कॉर्ड, बी मेजर कॉर्ड। ये देखो मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ, आपको देखना है। ये देखो बी मेजर, एफ शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, बी मेजर। मैं अभी एक कॉर्ड को टू टाइम्स हिट कर रहा था, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और ब्रोकन कॉर्ड करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ब्रोकन कॉर्ड में। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ब्रोकन कॉर्ड में। देखो 1 3 5 8, 1 3 5 8, 1 3 5 8, ठीक है। हमारे को जो है सारे पैटर्न्स प्ले करने आने चाहिए, इसलिए हम अलग अलग पैटर्न्स ट्राई करते रहते हैं। अब एक और पैटर्न ट्राई करेंगे जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जंपिंग पैटर्न। आप एक बार ऊपर से देखो, ठीक है, आपने देखा कैसे प्ले कर रहे हैं। तो thank you.
तरीके से अलग अलग पैटर्न्स हमने इम्प्रोवाइज करे। आप वन टेक में तीनों पैटर्न्स की एक साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि चेंज चेंज ये है कुछ एक्सरसाइजेस जो हम जब हम पियानो सीख रहे होते हैं, कीबोर्ड सीख रहे होते हैं, जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को थोड़ा डेवलप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। एफ शार्प मेजर स्केल हमने पिक करा, उसमें तीन कॉर्ड्स का हमने यूज़ करा, उसकी जो तीन फैमिली कॉर्ड है वो हमने इंक्लूड करी है आज, ठीक है। बाकी स्केल जो मैंने बताया एफ शार्प मेजर स्केल, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आपको सारे स्केल्स, जो हमारे 12 नोट्स होते हैं म्यूज़िक में, 12 नोट्स के ऊपर 12 मेजर स्केल्स, 12 माइनर स्केल्स, कॉर्ड्स, मेजर माइनर कॉर्ड्स, आपको सब आना चाहिए। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड करी हुई हैं, तो आप वो भी देखो, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो चलो ठीक है, आप लोग इसके प्रैक्टिस करना, मुझे बताना कि कैसा लगा आपको लेसन, कुछ आपको इससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। तो आप लोग अपना ख्याल रखो, मैं भी रखता हूँ, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।